हमारे साथ में मौजूद हैं नव निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष पति नीरेन सिंह राठौर। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, आप नगर पालिका अध्यक्ष पति बन गए हैं, क्या कहेंगे जी? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, और मेरे सारे नगरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप बहुत हल्के बोल रहे हैं आज, गला मेरा थोड़ा सा खराब है इस समय, मेहनत ज़्यादा करी है इसका मतलब चुनाव में? बिना मेहनत के तो देखिए कोई परिणाम निकलता ही नहीं है, संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा, और मैंने दिखा दिया कि संघर्ष का परिणाम हमेशा अच्छा होकर आता है, घर बैठ कर कभी कोई कार्य नहीं होता है। 10 साल तक आपने संघर्ष करा और 10 साल के बाद आपको ये मौका मिला जिसका बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे कि चेयरमैन ही आपके घर पर आए, भाजपा के पाले में आए, अब वो आ चुकी है और लगातार यहाँ देख रहे हैं कि लगातार लोगों की भीड़ आ रही है। लोग क्या कहेंगे जो आपके समर्थक हैं, जो नगर के पास ही हैं, जिन्होंने आपको मतदान कराया है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ नगर के लोगों ने, इस बार वास्तव में बहुत सारी चीज़ों से ऊपर उठकर, जाति बिरादरी, धर्म संप्रदाय, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर मतदान किया है और विकास के लिए मतदान किया। हालांकि हमारे समाज में, पूरे समाज में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहीं ना कहीं घात लगाने की भी कोशिश की, लेकिन जनता ने उनको बता दिया कि आप अच्छे काम के यदि विरोध करेंगे तो आपकी सुनने वाला कोई नहीं है, आप अपने परिवार तक सीमित रह जाएंगे और कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। वही चीज़ कल सामने भी आ गई, जिन लोगों ने कहीं कुछ घात लगाने की कोशिश की थी वो सिर्फ अपने परिवार तक सिमट कर रह गए, उनका समाज में लोगों ने उनको उचित स्थान नहीं दिया। ऐसे लोग क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे या अलग पार्टी से थे? नहीं, किसी में हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कुछ शरारती तत्व थे इस तरीके से जिन्होंने सोचा कैसे भी करके कि विकास को रोका जाए, नीरेन सिंह राठौर को हराया जाए, लेकिन वो अपने घर तक सीमित रह गए, पड़ोसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। ये नवाबगंज नगर की जनता का इसलिए मैं वास्तव में धन्यवाद की पात्र है, मैं उसका सबसे नमन करता हूँ नवाबगंज की नगरवासियों का, वास्तव में उन्होंने बहुत विवेक से काम लिया और किसी की नहीं सुनी। ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोगों के लिए आपके कार्यालय में, आपके दिल में कहाँ तक जगह मिलेगी जगह, या उन्हें नकार दिया जाएगा? देखिए, दोहरे चरित्र वालों के लिए समाज नकारता है, मैं क्यों नकारने वाला, मैं कौन हूँ नकारने वाला? समाज चेयरमैन, आप चेयरमैन बन गए, अब लोग आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपसे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, आपके पास में बैठने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे लोगों को वरीयता मिलेगी या जिन लोगों ने आपके लिए मेहनत करी है, जी जान से जुटे हुए हैं, जैसे विनोद गुप्ता जी, पुराने भाजपाई हैं, लगातार उनका पूरा परिवार आपके साथ में लगातार जुड़ा रहता है, हर चुनाव में वो आपके साथ में, ऐसे तमाम लोग हैं यहाँ के भाजपाई, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। देखिए, ये बात तो सही है, जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया चुनाव में उनको कहीं ना कहीं उचित स्थान मिलना चाहिए और मिलेगा भी। और रहा सवाल जिन लोगों ने अगर कुछ गलत किया भी है तो मैं उनको दंड देने का अधिकारी नहीं हूँ कि मैं उनको दंड देने लगूँ, मैं क्यों देने लगा? जनता ने उनको स्वयं बता दिया कि देखिए आप गलत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप गलत मत कीजिए, समाज हित की बात कीजिए, समाज में विकास की बात कीजिए, और जो सही हो रहा है उसको करने दीजिए। जनता ने उनको जवाब दे दिया है, मैं जवाब क्या दूँ? नीरेंद्र सिंह राठौर की निगाह में ऐसे लोग हैं? देखिए, जिन लोगों ने भीतरघात करने का प्रयास करा जो आप कह रहे हैं, क्या ऐसे आपकी निगाह में हैं या खाली लोगों की अफवाहों में हैं आप? मेरी निगाह में नहीं, पूरे समाज की निगाह में ऐसे तत्व, पूरा समाज जानता है ऐसे चरित्रवान लोगों के लिए कि वो कौन लोग हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन पूरा समाज जानता है कौन लोग हैं ऐसे। आगे क्या सोचा है नगर के लिए, क्या करना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है सबसे बड़ी समस्या नगर के लिए क्या है जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे, कुछ सोचा है आपने? देखिए, नगर की सबसे बड़ी समस्या जलभराव की, और आने वाले शीघ्र ही निकट भविष्य में ये अपना बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है, मई लगभग आप मान के चलिए कि खत्म होने के कागार पे है, 13 मई हो गई या 14 मई हो गई, थोड़े दिन और रह गए, जून आपके पास एक माह है मात्र, जुलाई में बारिश आ जाती है। तो आज की प्राथमिकता, अगर सबसे ज़्यादा कोई प्राथमिकता चीज़ है तो वो जलभराव की है, नालों की सफाई इत्यादि की है, क्योंकि ये चीज़, ये समस्या जो है बिल्कुल ठीक आपके सामने, बिल्कुल सामने ही खड़ी हुई है, क्योंकि जुलाई में मानसून शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कैसे भी कल के जो जलभराव की समस्या है उससे नगर को निजात दिलाई जाए। कल आपकी जीत हुई, कल से यह माना जाए कि नवागम के अच्छे दिन आ गए, नगर में विकास कार्य जो रुके हुए थे वो तेजी से होंगे, माना जाइए? क्यों नहीं माना जाए, मैंने तो लड़ाई ही इसी बात की लड़ी है कि नगर में जो 10 वर्षों तक नगर को नरक बनाकर रख दिया था, मैं कोशिश करूंगा, मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि नगर को उठा के लेके आऊं, अच्छा सुंदर बना के लेके आऊं। जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक आप एक भाजपा नेता नीरेन सिंह राठौर थे, आप नगर पाल का चेयरमैन पति हैं, तो कुछ ना कुछ बदलाव तो आना जरूरी है, कौन सा बदलाव आएगा आपके पास? मैं कल तक भाजपा नेता था, ये सब शब्द आपके गलत हैं, मैं कल भी भाजपा का नेता था, भाजपा नेता कल भी आप थे, आज भी हैं, लेकिन उसके साथ में अब आप नगर पाल का चेयरमैन पति बन गए, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो अलग से आपको एक पद मिल गया है, इससे बदलाव कितना आएगा आपके अंदर? क्योंकि मैंने आज ये देखा, मैं सुबह से आपको 5 कॉलें मैंने लगाई, 5 बार आपको फ़ोन करा, एक बार भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ मेरा, तो ये लग रहा है कि ऐसा तो नहीं नीरेंद्र सिंह राठौर अब चेयरमैन पति बन गए, अब भैया वीआईपी बन गए, वो तो बदलाव तो जरूरी है।
ऐसा अभी आपके घर में कोई कार्यक्रम फंक्शन हो और बड़ा कार्यक्रम आयोजन आप कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आपको आपको फोन उठाने की फुर्सत नहीं मिल पाएगी। एक छोटी सी सुन लीजिए एक छोटी सी बात है, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। वास्तविकता ये है, काउंटिंग में जाते वक्त फोन ले जाया नहीं जाता है। काउंटिंग से निकलने के बाद स्थिति ये नहीं थी, आपने भी देखा होगा कि स्थिति क्या थी, मतलब फोन उठाना तो दूर, अपने हाथ पर बचाना मुश्किल था। इतना भीड़ भड़क्का, धक्का मुक्की, इतना लोग स्नेह कर रहे थे हमको, ठीक है। उसके बाद में सैकड़ों की संख्या में लोग लगातार आते गए, कहाँ से फोन उठाना, कहाँ बात करना, कहाँ मोबाइल पड़ा। मुझे तो आज सुबह मिला है मेरा मोबाइल, मैं कल ढूंढते परेशान हो गया, मेरा मोबाइल कहाँ। आज कोई देखा गया, बोले भाई साहब जी आपका मोबाइल कल मेरे पास रखा था। तो जी है, इसका मतलब अभी बदलाव नहीं आया। अरे क्यों व्यस्त रहूं भाई, ये कैसे प्रसन्न करते हो आप भी कभी कभी कि बिजी है। अरे आपको नहीं लग रहा क्या, पूछ रहा हूँ बिजी और एक बदलाव वाला जो होता है, कहीं बदलाव वाला कोई असर तो नहीं आ गया। व्यस्तता है, बदलाव ईश्वर ने चाहिए, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, ये ईश्वर चाहे आप किसी भी मुकाम पर मुझे पहुंचा दें, मुकाम आपको तय करना है कि मैं किस मुकाम पर पहुंचूंगा, लेकिन बदलाव मुझ में ना आए, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना। लोगों ने आपको जी जान से चुनाव लड़ाया, लगातार नीरेंद्र सिंह राठौर जिंदाबाद करते हुए जगह जगह भ्रमण करते रहे, लोगों से वोट मांगते रहे, उन लोगों की जो वफादारी है, जो आपके प्रति लगाव है, वैसे ही आपकी तरफ से रहेगा, क्योंकि नए लोग भी आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लगातार आपके पास में बैठने का प्रयास करेंगे कि भैया आप तो चेयरमैन हैं नीरेंद्र भैया, आप तो उनसे दोस्ती करनी है। देखिए ईश्वर की कृपा से थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि हम भी रखते हैं, हम भी जानते हैं नगर में किस व्यक्ति का कैसा चेहरा है, कौन लोग अवसरवादी हैं और कौन लोग हमारे प्रति डिवोटी हैं, ये हम भली भांति जानते हैं। भले वो एक अलग की चीज़ है, जो अवसरवादी व्यक्ति हो हम उनको धुतकार नहीं सकते हैं कि वो यदि हमारे दर पे आए हम तो धक्का मार के उनको बाहर निकाल दें, ये अपनी प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन हम ये अक्सर अच्छी तरीके से जानते हैं कौन लोग अवसरवादी हैं और कौन लोग डिवोटी लोग हैं, जो हमारे प्रति हमारी पार्टी के प्रति डिवोटी हैं, तो उनसे उस तरीके का व्यवहार निश्चित सी बात है भैया। अगर अवसरवादी हैं तो हम अपने लोगों के खातिर अवसरवादियों को तो बढ़ावा नहीं दे देंगे, तो ये सामान्य सी प्रक्रिया है, क्योंकि अपने साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर अवसरवादी आ गए, उन्होंने कुछ लालच प्रलोभन दिया तो हम उनको उनकी माला पहनाए, उन्हीं को मिठाई खिलाए। बिल्कुल, क्योंकि जो लोग आपके वफादार लोग हैं, जो आपके प्रति लगाव है, वो लोग यही देखना चाहेंगे कि आगे तक नीरेंद्र भैया ऐसे ही रहें जैसे हम उनके प्रति रहे। इसके अलावा आपने नगरपालिका चुनाव से पहले बहुत वायदे करे कि CCTV कैमरे लगवाएंगे हर चौराहे पर, इस तरीके की तमाम आपने जो योजनाएं बनाई वो एक के बाद सब पूरी होंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरी नवाबगंज में मुझे लग रहा है कोई से चौराहे पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ये बहुत बड़ी, इतनी बड़ी समस्या है कि गांव के लोग या नगर के 40,000 मतदाता हैं, अगर निकल के घर से बाहर जा रहे हैं तो एक भी जगह शौचालय नहीं है कि कहीं पर वो जाके वो इस्तेमाल कर सके, तो ये बहुत बड़ी मुझे लग रहा है ये समस्या है, इस पर ध्यान आप कब देंगे? आज पहले दिन मेरी शपथ भी नहीं हुई है, आपने मुझ पर यह सवाल दाग दिया। डॉक्टर ताज से 10 साल में सवाल क्यों नहीं दागा, जिसे बने हुए भी तोड़वा दिए। उनसे भी मैंने सवाल करे और आपने जो कहा वो भी मैंने सुनाया उन्हें, ठीक है, उसके बाद में टूट गए। बनाने का काम अब आपकी बारी है, आप चेयरमैन बन गए तो आप शपथ ग्रहण के बाद में कब से कार्य करेंगे इस पे? वही तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी सारी चीजें प्राथमिकता में है, वो तो मैंने आप पे चुटकी ले ली, आप भी बहुत चुटकी लेते हो इसलिए मैंने भी ले ली आज, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें मेरी प्राथमिकता में है, बहुत सारी चीजें, मेरी माँ बहनों को इतनी दिक्कत होती है नगर में, और जिसका मैं समझता हूँ उस कष्ट को भली बात ही, तो ये सारी चीज़ें मेरी प्राथमिकता में, बहुत शीघ्र सबसे पहले मैं इस पर काम करूँगा। लेकिन उससे भी पहले, चूंकि वर्षा ऋतु निकट है, बिल्कुल सिर पर खड़ी है, इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता जो रहेगी वो वही रहेगी, जल निकासी को कैसे भी कैसे इस वर्षा ऋतु में नगर में कहीं जल निकासी ना होने पाए, इसका मेरा प्रयास प्राथमिकता के आधार पर रहेगा।